दोस्तों आज की वीडियो आपको दिखाएंगे रेडिएंट के एंड से आने वाले डोर सीलर जिसको हमने ऑर्डर किया था। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास आज पे आज की वीडियो में देखेंगे कैसा इनका यूज है, किस तरीके से इसको फिट किया जाता है। आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप इसको अपने एसी वाले रूम के लिए ले रहे हैं और आपके एसी वाले रूम में एक ही डोर है एंटर और एग्जिट करने के लिए और आप उसको सील करने का प्लान कर रहे हैं इस डोर सीलर को यूज करके, तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इस प्रोडक्ट को भूल के मत लीजिएगा। आपके उस रूम में सफोकेशन हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके रूम में दो डोर्स हैं एंटर एग्जिट वगैरह करने के लिए तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं, बट अगर सिंगल डोर है जिससे आप एंटर एग्जिट करते हैं उस एसी वाले रूम में, तो आपको सजेस्ट करूंगा इसको भूल के मत लीजिएगा, वो आपके लिए लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में मुझे डिलीवर हुए हैं रेडियंट के डोर सीलर अमेजोन के एंड से। आपको मैंने पहले ही दिखा देता हूँ कट करके कि अंदर से किस तरीके से आता है, और इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम बाकी चीज़ें भी देखना स्टार्ट करते हैं। उसको बाहर निकाल के इस तरीके से, तो मैं बिल भी अभी के लिए हटा देता हूँ जिसका कोई यूज़ है नहीं अभी के लिए। तो इस तरीके से ही आता है सेट ऑफ थ्री में। अगर आप अमेजोन से इसको परचेज कर रहे हैं तो आप सिंगल पीस को परचेज नहीं कर सकते, आपको तीन क्वांटिटीज़ की परचेज करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे 1, 2 और 3, मतलब ये जो तीन क्वांटिटी आपके तीन डोर्स को कवर कर देगी अगर आपके घर में तीन डोर्स वगैरह हैं और जहाँ पे तीन रूम्स हैं जहाँ पे आप एसी के लिए इसको यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पैकिंग में आते हैं, दो को साइड कर देते हैं और एक को देख लेते हैं। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ इस तरीके से पैकिंग में आता है, और इसको भी इसके पॉलीथीन से हटा लेते हैं। अगर आप यहाँ पर रीड करेंगे मैं दिखाऊँ आपको, तो कंपनी ने इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 499 रुपीज़ मैंशन करके है, बट आपको अमेजोन में अराउंड ये 80 से 90 रुपये का बीच एक साइज़ का मिल जाएगा। और अगर तीन सेट लेंगे तो अगेन आपको 240 या 250 रुपीज़ के अराउंड पे करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डेज में ले रहे हो। सकता है अगर आपको नॉर्मल डेज या किसी स्पेशल डेज में इसका प्राइस बहुत कम भी मिल जाए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लेंथ कंपनी ने मेंशन करके वो है 36 इंच, जिसको मैं मेजर करके आपको बता दूंगा। तो अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से मटेरियल में आते हैं ये, जैसे कंपनी ने आपको अमेजोन में मेंशन कर रखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ डिफरेंस है या नहीं, तो कोई डाउट नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ है। कंपनी ने ऑनलाइन वेबसाइट जो अमेजोन है वहाँ पे मेंशन कर रखा था इसके अंदर राउंड सर्कुलर वाले आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म के पीस डाले होते हैं, तो जो हाँ वही मटेरियल है। और दूसरा कंपनी ने यहाँ पे फैब्रिक मेंशन कर रखा था, तो ये फैब्रिक ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी वाइज सेम वैसा ही है जो कंपनी ने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है। अगर इसकी मैं साइज की बात करूँ तो इसको आपको मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ। तो इसका एक एंड को मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ इंची टेप पे, और इसको इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से लाऊं तो ऑलमोस्ट ये 36 इंच के आसपास ही आता है, क्योंकि ये थोड़ा अभी मुड़ा हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 36 इंच ही है। तो लेंथ में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, एग्जैक्ट कोई भी इसमें सच प्रॉब्लम है नहीं। और अगर आपको बताऊं तो कितनी हाइट ये गेन करता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका जो पार्ट है ये आपके डोर के नीचे जाता है जहाँ पे खाली स्पेस होता है, ड्यू टू कई बार आपके दरवाजे जो होते हैं वो फ्लोर से टच नहीं कर रहे होते हैं, फ्लोर से 1 इंच या आधे इंच की ऊंचाई पर होते हैं फ्लोर से, तो उस केस में ये आपको कितना हेल्प करेगा वो आपको मैं टेस्ट करा दूंगा। और बाकी सब ऐसा तो कुछ है नहीं पता आने वाला, क्योंकि क्वालिटीज की सेम वैसी है कंपनी ने जैसा वेबसाइट पे मेंशन करके, अगर कुछ डिफरेंट होता तो मैं आपको भी बता देता। तो चलिए इसको डोर में चल के टेस्ट करते हैं और आपको पहले दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसका यूज होता है और किन जगहों पे इसका यूज नहीं होने वाला है। नॉर्मल जो आपके घर के डोर्स होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो 3 फुट के अराउंड ही होती है, मतलब 36 इंच के अराउंड ही होती है। तो ये भी जो अभी स्टैंडर्ड डोर है इसकी भी जो चौड़ाई है वो 36 इंच के अराउंड ही है। तो ये जो लेंथ मुझे प्रोवाइड की गई थी कंपनी ने, जो प्रोवाइड करी रेडियंट ने, उसकी लेंथ भी 36 इंच है। बट एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि आप इस वाले प्रोडक्ट को हर डोर में यूज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था इसकी जो हाइट है, मतलब फ्लोर से डोर की हाइट भी मैटर करती है। तो आप देखेंगे मेरे केस में इस वाले डोर की हाइट जो है जमीन से वो इतनी सी ही ऊपर है, मतलब अगर आपको पास ला के बताऊं तो इतना ही ऊपर है। तो उस केस में इस वाले डोर सीलर का कोई बेनिफिट नहीं है। रीजन बिंग अगर आप यहाँ पे सोचें तो एक, यहाँ से हवा वगैरह का लीक होने का चांसेस जो है वो परसेंटेज बहुत लो हो जाता है। सेकंड, अगर आप कॉकरेज वगैरह दूसरे पर्पस के लिए भी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में भी इसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि इतने कम हाइट पे ना आपका कोई कॉकरेज घुस सकता है, ना कोई बड़ा कीड़ा वगैरह घुस सकता है, ना ही इसका भी यूज होगा। तो इसको मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि ये डोर के अंदर फिट नहीं हो पाएगा। रीजन बिंग जैसे आपको लगता है क्योंकि यहाँ की जो हाइट है डोर की फ्लोर से, यहाँ पे जो गैप है वो इतना सही है जिसकी वजह से इसका मुझे ले इस डोर के लिए कोई यूज नहीं है। बट आपको तब भी ट्राई करके दिखाता हूँ कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आप देखें इस वाले पोर्शन में आपको इसको डालना होता है और आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये वाला एक तो उसकी ये वाली जगह है और एक ये वाली, तो इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है कंपनी ने मेंशन कर रखा है ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंच के अराउंड है। तो अगर आपके दरवाजे की चौड़ाई 1.5 इंच से ज्यादा है, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप घर में परचेज करने से पहले ये चीजें देख लीजिए कि अगर आपकी इस दरवाजे की चौड़ाई 1.5 इंच से ज्यादा है तो उस केस में तो उसको परचेज करने का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये जाएगा नहीं। मेरे केस में ये 1.5 इंच है और दरवाजे की जो चौड़ाई है ये वाली भी ये 1.5 इंच के पास है, तो मगर तब भी ये इसके जाने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप जैसे मैंने आपको बताया था कम था,
तो देखेंगे अगर मैं इसको इस तरीके से फिट करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जाते ही अटक जा रहा है। रीजन ये देखिए इस तरीके से अटक जा रहा है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था रीजन ये है क्योंकि इसकी हाइट जो है डोर की इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस केस में इसका ये जो डोर सीलर है इस डोर के लिए कोई यूज नहीं है। बट आपको डालना कैसे होता है, आप इस तरीके से कॉर्नर को लीजिए और उसको आगे पुश करिए तो ये चला जाएगा। अभी मैं इसको पुश करूंगा तो होगा क्या, ये पूरा पूरा जो इसका फैब्रिक है वो यहाँ से फट जाएगा। तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से अपने डोर पे इसको लगाएं, डोर को मेजर कर लें। तो अगर यहाँ से जमीन से फ्लोर के दरवाजे की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए तभी ये उस पर जा पाएगा। तो इस डोर पे तो नहीं गया, अब आपको मैं यही चीज दूसरे डोर में टेस्ट करके बताता हूँ। इस डोर के केस में देखें तो जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ से इस फ्लोर में देखिए तो एक उंगली भी जा पा रही है क्योंकि इसकी हाइट जो है मतलब यहाँ पे जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है। उस केस में इसको ट्राई करते हैं तो अगेन इसको ऐसे करके करना होता है और इसको आगे आप पुश करते हैं तो आप देखेंगे इस पे ये जा पा रहा है। और इस तरीके से अगर आप इसको पूरा आगे तक पुश करेंगे तो ये पूरा आगे तक चला जाएगा। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है अपने डोर पे लेते समय भी कि आपके डोर के अगर फ्लोर से हाइट ज्यादा नहीं है मतलब गैप ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको उसको लेने का बेनिफिट नहीं है। प्लस अगर ये 36 इंच से छोटा है या बड़ा है तो उस केस में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और अगर इसकी यहां से चौड़ाई 1.5 इंच से ज्यादा है आपके दरवाजे की फिर तो उसको आप मत ही लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब इसका मैं बेनिफिट ये बता देता हूँ, अगर आपने इस तरीके से इसको लगा लिया है तो आप देखेंगे अगर यहाँ से कोई कॉकरोच या कोई कीड़ा पकौड़ा उसको क्रॉस करने की सोच रहा है तो वो नहीं कर सकता। सेकंड थिंग अगर आपने इसको एसी वाले रूम पे फिट किया है तो जो ठंडी हवा यहाँ से लॉस होकर निकल जाती है अगर इसको ना लगाएं तो ठंडी हवा यहाँ से क्रॉस होकर पास होकर निकल जाएगी जिसकी वजह से आपका रूम ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा। बट इसको लगा देने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हवा का पास होना नामुमकिन हो जाता है अगर आप इसको अपने डोर्स में लगा देते हैं। तो इसके ये बेनिफिट है और आपको मैंने बता भी दिया कि किन दरवाजों पे लग पाएगा, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो। अगर आपको मन में अभी भी कोई डाउट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।